अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमा और मिनिमा का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें फंक्शन दिया हुआ है और इसमें जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा मांगा है। चूँकि इसमें इंटरवल भी दिया हुआ है तो देखते हैं इसको कैसे हल करें। तो फंक्शन हमारा है fx इक्वल टू एक्स क्यूब। जब इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, और जब इसको जीरो के इक्वल रखे तो हमारा क्या पॉइंट मिला, x इक्वल टू जीरो। और इसको हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाला है। तो जैसे ही हमने जीरो के लेफ्ट में यानी माइनस वन रखा, जीरो के वन राइट में प्लस वन रखा, तो फंक्शन का जो ये साइन था एफ डैश एक्स का दोनों तरफ प्लस आया है। तो आपको बताए थे कि जब ऐसा हो कि फंक्शन का वैल्यू दोनों तरफ समान हो जाए तो क्या हमको मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी नित बिंदु मिलता है। तो यहाँ तो मैक्सिमा और मिनिमा आकर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमारे पास और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमने इस पॉइंट पर जो इंड पॉइंट दिया हुआ है उस पर हमने फंक्शन का वैल्यू चेक किया। माई डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो है ये जो क्रिटिकल पॉइंट है यानी मैक्सिमा या मिनिमा जहाँ कहाँ आकर होगा, इसके लिए दो रूल हैं। पहला कि एफ डैश एक्स जो है वो जीरो के इक्वल हो, जिससे कि ये क्रिटिकल पॉइंट हम खोजते हैं और इसी पॉइंट पर हम चेक करते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं है। दूसरा कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं हो, जहाँ पर फंक्शन का अवकलज हम लोग नहीं निकाल पाए वहाँ पर भी मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है। तो आप देखिएगा कि ये जो एंड पॉइंट है, आपको पहले भी बताया है कि एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हम इस पॉइंट को अगर चेक करें तो यहाँ पर हमको मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा। तो देखिए, हमने माइनस टू पर चेक किया वैल्यू माइनस एट आया, और टू पर चेक किया तो वैल्यू एट आया। तो यहीं पर हमारा निम्नतम मान है और ये हमारा उच्चतम मान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन क्या है अपना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें क्लोज इंटरवल है 0 से 5। तो सबसे पहले क्या किया, एफ डैश एक्स का हमने यहाँ पर एफ डैश एक्स निकाला, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये चीज़ आपको एक आध क्वेश्चन पहले भी कराया है, लेकिन वहाँ पर ओपन इंटरवल दिया हुआ था या क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू पहले बता दिए है कि कैसे निकलेगा, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स अगर हो गया तो दोनों कहाँ पर बराबर होता है, तो पाई बाई 4 पे। हमने एफ डबल डैश एक्स को जो है पहले एफ डबल डैश एक्स निकाला यहाँ पर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और इसका जब साइन चेक किया तो क्या निकल गया, माइनस 2/√2 यानी कि माइनस साइन एक्स, यानी कि क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। तो जब ये लेस देन 0 हुआ, एफ डैश एक्स आपका लेस देन जब 0 हुआ तो क्या आकर होता है, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट हमको मिला, एक्स इक्वल टू पाई बटा 4। इसको बोलेंगे हम लोग लोकल यानी स्थानीय उच्चतम बिंदु बोलेंगे, क्योंकि लेस देन 0 हुआ है तो ये मैक्सिमा आकर हुआ है, लेकिन ये कैसा मैक्सिमा है, लोकल है, क्योंकि और भी इंटरवल है। तो इसका मान निकाल दिए यहाँ पर, √2 आएगा। अब ये जो इंटरवल हमारे पास दिया हुआ था यहाँ पर देखिए, 0 से π/2 जो इंटरवल अपना था 0 से π का, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसी इंटरवल पर चेक किया है मान। अब देखिए, 0 पर चेक किए फंक्शन का वैल्यू 1 आया रिजल्ट, पाई पर चेक किए फंक्शन का वैल्यू -1 आया रिजल्ट। आपको वैल्यू याद रहना चाहिए कि पाई पर कितना होगा साइन, कॉस कितना होगा, हमने लिख दिया है यहाँ पर, साइन पाई का मान 0 होगा, कॉस पाई का मान -1 होगा। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास, -1 आया। तो अब इन सब में जो पॉइंट सम चेक किए, जो वैल्यू निकाले थे, इसमें सब में देखिए कि सबसे ज़्यादा मान इसी पॉइंट पर आया है, तो इसीलिए हमारा स्थानीय उच्चतम मान ये निरपेक्ष हो गया। एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है √2 है, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, -1 है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है,
एपेक्स इक्वल टू 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और इसका भी इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल में सब दे रहा है, इसका मतलब है कि हमको इस पॉइंट पर भी चेक करना है वैल्यू। तो एफ डैश एक्स का जैसे हमने यहाँ पर किया डिफ्रेंशिएट तो 4 माइनस एक्स आ रहा है। अब क्या करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब रखते हैं तो 4 माइनस एक्स, एक्स का मान 4 आ गया। अब हमने एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू 4 पर चेक किया, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट आप कीजिएगा तो वैल्यू क्या देगा, 4 का हो जाएगा 0 और माइनस है x का 1, तो माइनस 1 आया। अब चूंकि ये मान जो है x से स्वतंत्र है तो x बराबर 4 तो हम रखेंगे नहीं, फिर भी हमको पता चल गया कि ये जो वैल्यू होगा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये जो पॉइंट हमारा हुआ x इक्वल टू 4, ये हमारा लोकल है, लोकल मैक्सिमा हुआ है। फिर इसका वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया है, 4 पर रख के वैल्यू 8 हो गया। फिर ये जो एंड पॉइंट था इस पर चेक किए, माइनस 2 का वैल्यू रखे, फिर ऊपर निकाल के दिखाएं आपको कैसे निकालना है, और f 9/2 पर भी वैल्यू निकाल के यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये कितना आ गया 63/8 जो कि 8 से छोटा है। तो हमारा जो सबसे अधिक मान था 8, यही हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और हमारा जो सबसे कम मान था -10, यही हमारा हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा। अगला जिसका कि एफ डैश एक्स हमने निकाला, तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स माइनस 1 रहेगा, फिर एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ इसका 0 होगा दिखाया हुआ है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x-2, जब हमने 0 इक्वल इसको रखा तो 2x-2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2 और x का मान 1। अब f डबल डैश x एट x इक्वल टू 2, जब हम आपने यहाँ पर डबल डैश इसका किया, डबल डिफरेंशिएशन, तो 2x का 2 हो गया, ये माइनस 2 का 0 हो गया, यानी कि वैल्यू क्या है 2, जो कि 0 ये x से फिर स्वतंत्र है, फिर भी इसमें हमने को पता चल गया कि भाई वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। हमने एफ टू का वैल्यू यहाँ निकाल दिया 4, फिर जो एंड पॉइंट था उसका वैल्यू निकाल दिया 3 पर 1 पर सब पे वैल्यू निकाल दिया, तो इससे हमको पता चल गया कि ये जो निरपेक्ष जो यानी कि एब्सोल्यूट जो मिनिमा है 3 है सबसे कम वैल्यू, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा 19 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा कि कोई फंक्शन है, कंपनी का कुछ लाभ करा, प्रॉफिट करा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, वही चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिए फंक्शन को, इतना आ रहा है रिजल्ट देखिए, और फिर जब हमने एक्स का मान निकाला तो एक्स इक्वल टू -2 आया, फिर हमने डबल डैश एक्स इसका किया तो इसका वैल्यू जो है कितना आ रहा है, यहाँ देखिए इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म 0, इससे वैल्यू आ जाएगा -36, यह एक्स से स्वतंत्र हो गया। तो अब क्या हो गया कि यह लेस देन 0 है, लेस देन 0 जब हुआ तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, चूँकि हमको मैक्सिमम वैल्यू ही निकालना है। तो हमने क्या किया कि -2 पर इस फंक्शन का मान निकाल लिया, तो 113 जो है इकाई आप जोड़ देंगे, 113 इकाई, चूँकि यह यूनिट नहीं दिया हुआ है, रुपया पैसा कुछ, तो हम इस पर इकाई लिख सकते हैं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था, अब अगला देखेंगे हम। देखिए यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा फंक्शन है, ये यहाँ पर लिख दिया, इंटरवल भी एक दिया हुआ है, इसमें भी वही चेक करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा चेक करना है। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, देखिए डिफरेंशिएशन करके ये आ गया है। अब यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि हम इसको, अब इसमें अगला टर्म में क्या किया है, 12 को हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है, और ये 0 का के नीचे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट हो रहा था कि एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो इसी का लिए, तो इन दोनों में देखिए एक्स क्यू और माइनस 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हमने कॉमन यहाँ पर ले लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स माइनस 2 बचा। अब यहाँ पर ये 2x माइनस 4 से फिर 2 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 2, फिर रिजल्ट आ गया। तो हमारा दो फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर 2 को जब 0 का आप इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, जो कि रियल रूट नहीं है, तो ये वैलिड नहीं हुआ। x माइनस 2 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 2 हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब इसको चेक किए, डबल डिफरेंशिएट किए यहाँ पर, और इसका एट x इक्वल टू 2 में वैल्यू निकाल के देखे हैं, 72 आया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमको क्या मिला, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिला है।
फिर इसमें F2 का हम मान निकाल दिए -39, फिर जो एंड पॉइंट था 0 उसका मान लिए 25, F3 का मान निकाले तो 16 आया है। तो हमको सबसे जो ज़्यादा वैल्यू आया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो 25 पे आया है, और जो सबसे कम आया है एब्सोल्यूट मिनिमम वो आया है आपका -39 पे। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। fx इक्वल टू साइन 2x है, और ये जो है कहा कि इसका उच्चतम मान बताना है, ये इंटरवल भी दिया है 0 से 2π। तो ये जो इंटरवल है ये x के लिए, 2x के लिए नहीं है। हम लोग चेक करते हैं कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अब पहले तो हमने डिफरेंशिएट किया, 2 cos 2x हुआ इसका डिफरेंशिएशन। जब f डैश x इक्वल टू 0 रखें तो 2 cos 2x इक्वल टू 0, और 2 cos x 2x इक्वल टू 0, ये 2 यहाँ से 0 के नीचे चला गया, तो हमारे पास 2 cos 2x इक्वल टू 0, यानी कि 0 कब होगा cos π/2 पे, तो वैल्यू वही रखे हैं, यानी कि 2x बराबर हमने एक क्या लगाया है यहाँ पर, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लगाया है। क्या होता है कि 2x के cos x के लिए क्या होता है, x बराबर 2nπ प्लस माइनस x y। तो यहाँ पर y की जगह पे हमारा क्या है, π/2 है। तो जब हमने इससे x का वैल्यू निकाला, यानी कि 2 को सबसे इधर इस तरफ 2 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, nπ + -π/4। अब देखिए n का डिफरेंट वैल्यू हम रख रहे हैं, 0 से 2π के बीच में रखेंगे। तो सबसे पहले 0 रखें, तो 0 के माइनस में रखेंगे तो -π/4 हो जाएगा, जो वैलिड नहीं होगा, तो प्लस में रखा π/4 निकला। फिर जो है n का मान 1 रखा, तो n का यहाँ पर रखना है मान n π जो है, तो n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ क्या बचा, पाई प्लस π/4 से 5π/4 हो गया, और माइनस वाले में चेक किए प्लस माइनस दोनों होता है, 3π/4 हो गया। अच्छा अब 2 रख रहे हैं, n का मान कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो इसमें देखिए 2π हो गया। अब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π + π/4, तो ये कितना हो जाएगा, 8π यानी 9π/4। तो ये देखिए कि 2π से ज़्यादा वैल्यू दे देगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो हम क्या लिए है, माइनस में लिए, वैल्यू क्या लेना है, माइनस में लेना है। अब जितना पॉइंट हमारे पास आया है सारे पॉइंट पे हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल के दिखाया है। वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें जो है ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला लगाना है कि कैसे वैल्यू रखना है, बता देते हैं यहाँ पर एक। तो f π/4 में जब हम साइन 2x हमारा फंक्शन था, 2 × π/4 हुआ, तो वैल्यू क्या हो गया, 2 से 2 4 से 2 कट गया, तो 2π/2 हो गया, sin π/2 का वैल्यू 1। उसी प्रकार यहाँ पर 5π/4 में पहले तो 4 को डिवाइड किया है 2 से, तो रिजल्ट 5π/2 आया। 5π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2π + π/2। तो जब 2π यहाँ पर है, इससे इसमें चला आया, तो सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव, π/2 वैल्यू दे दिया 1। उसके बाद साइन 3π/4 पे क्या करना है, इसका वैल्यू जैसे निकालते हैं 3π/2 वैल्यू दे दिया -1। यहाँ पर क्या है कि π + π/2 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर पाए है, और यहाँ से हम थर्ड क्वाड्रेंट माने जहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, तो साइन निगेटिव होगा, वैल्यू -1। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाया है, 2π - π/2, यहाँ पर 2π है, और इसी क्वाड्रेंट में रह गया, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, वैल्यू -1 हो गया। तो इस तरह से हमको, हम उससे पूछ रहा था कि भाई उच्चतम और निम्नतम मान क्या है, तो हमने सिर्फ उच्चतम मान को यहाँ बताया कि हाँ भैया इस पे और इस पे उच्चतम मान आकर किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा कि फंक्शन वही है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, fx = sin x + cos x। कहा कि इसका जो है आप उच्चतम मान बताइए, इसमें कोई आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है, एक इंटरवल को एज्यूम किया है कि भाई अधिक से अधिक मान इसी पर निर्भर कर सकता है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है हमारा। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ cos x = sin x, ये प्रोसेस आपको पता है कि यहाँ पर f'x को 0 के इक्वल रखेंगे, गलती से 1 लिखा गया है, ये क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा कि cos x = sin x होगा। तो अब क्या होगा, हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो इसको साइन एक्स को क्या किए, π/2 - x, तो साइन एक्स हो जाएगा, तो कॉस और कॉस ये रह गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमने क्या लगाया, फिर वही x = 2nπ + -1
पाई बाय टू माइनस एक्स, चूँकि वाई का मान यह क्या है पाई बाय टू माइनस एक्स है। फिर एन का मान जीरो आप जब लेंगे और प्लस पे निकालेंगे माइनस पे कैंसिल हो जाएगा एक्स, तो क्या हो गया पाई जीरो प्लस ये वैल्यू जीरो, जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स। इस एक्स को अगर हम इधर ले आए तो क्या हो गया, इस एक्स को इस तरफ ले आए तो क्या हो गया एक्स प्लस एक्स टू एक्स बराबर पाई बाय टू, यानी एक्स का मान पाई बाय फोर। फिर वन पे प्लस पे ही मान निकाल के देख रहे हैं, माइनस पे फिर ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वन रखे इसमें तो टू पाई प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स, फिर ये एक्स इधर आता है तो टू एक्स बन जा रहा है, तो एक्स का मान हमारे पास क्या रिजल्ट में आ गया फाइव पाई बाय फोर। और अब क्या करना है, हमसे यहाँ पूछ रहा है कि भाई उच्चतम वैल्यू कहाँ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब फिर मैंने एक चेक कर लिया कि x इक्वल टू टू पर क्या होगा, तो x इक्वल टू टू के प्लस में देखिए नाइन पाई बाय टू ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा टू पाई से, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और माइनस पे लेते ही x कैंसिल हो रहा है, इसलिए माइनस वाला सब मैं छोड़ रहा हूँ। तो अब क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड किया है। तो इसके लिए एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर पे हमने वैल्यू चेक किया, पाई बाय फोर अगर रखेंगे एफ डबल डैश एक्स यहाँ पर है एफ डबल डैश एक्स, इसमें आप मान रखते हैं तो क्या होगा माइनस पाई बाय फोर और माइनस पाई बाय फोर, यानी कि माइनस वन बटर रूट टू और माइनस वन बटर रूट टू, यानी कि माइनस रिजल्ट आएगा, आएगा ना माइनस टू बटर रूट टू, जो कि क्या होगा लेस देन जीरो होगा। जब लेस देन जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इक्वल टू फाइव पाई बटर फोर में हम रखे हैं वैल्यू, तो फाइव पाई बाय फोर का वैल्यू कैसे निकालना है यहाँ से आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है कि साइन फाइव पाई बाय फोर का वैल्यू कैसे निकालना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस फाइव बाय फोर कॉस पाई प्लस फाइव बाय फोर। तो अब क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस फाइव बाय फोर, अभी आपको बताया कि यहाँ तक पाई है साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ से इसमें आ गए टेन पॉजिटिव होता है, तो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव। सेम यहाँ पर कॉस भी निगेटिव होता है तो कॉस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा निगेटिव, और वही चीज़ यहाँ नीचे में रखा हुआ है एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव पाई बाय फोर पर जब हमने वैल्यू निकाला और यहाँ पर मान रखा है साइन पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई बाय फोर, तो अभी बताया कि माइनस में वैल्यू आ रहा है माइनस साइन पाई बाय फोर माइनस कॉस पाई बाय फोर, तो यहाँ पर माइनस पहले से चल रहा है तो ये क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर भी वैल्यू माइनस पहले से चल रहा है तो ये क्या हो गया प्लस, यानी कि वन बटर रूट टू प्लस वन बटर रूट टू, जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा। और जब ग्रेटर देन जीरो हुआ तो क्या मिला पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमको मिल गया, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं चूँकि हमारे पास बहुत सारा इंटरवल है। तो अब हमने क्या किया, हमसे पूछ रहा था भाई मैक्सिमम वैल्यू कहाँ, तो पाई बाय फोर पर ही मैक्सिमम वैल्यू है, एफ पाई बाय फोर निकाल दिए, इसका मान हो गया रूट टू, सारा कैलकुलेशन पहले भी बताया है, बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसका मान हुआ माइनस रूट टू। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई उच्चतम मान कहाँ है, तो उच्चतम मान कहाँ है एक्स इक्वल टू पाई बाय फोर पे, और उच्चतम मान क्या है रूट टू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।